ग्रेटर नोएडा की दादरी पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब की 1000 पेटियों से भरे एक 10 टायरा कैंटर को पकड़ा है, जिसके साथ शराब तस्कर भी गिरफ्तार किया गया है, जो सरदार लाल है और मध्य प्रदेश का रहने वाला बताया गया है। ये शराब पंजाब से अरुणाचल प्रदेश जा रही थी, जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से पकड़ी गई है। तस्कर पंजाब से अरुणाचल प्रदेश को शराब की तस्करी करते थे। शराब पर 5-स्टार प्रीमियम विस्की लिखा हुआ था। एक 10-टायरा ट्रक पकड़ा गया है, जो दादरी पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। यह ट्रक अमृतसर से लोड होकर के आया गया और अरुणाचल प्रदेश जा रहा था। यहीं कोर्ट के पास में जो सर्विस रोड है उसके पास में इसको चेक किया गया, तो उसमें अवैध शराब लदी हुई थी। मौके पर आबकारी टीम को बुलाया और उनके पेपर्स वगैरह चेक कराए गए तो फर्जी पाए गए। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर दिया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शराब जो है उसमें 1000 पेटी हैं, जिनकी कीमत 40 से 50 लाख के करीब आके गई है। साइज में कितने आरोपी हैं अभी पकड़े हुए? मौके पे एक आरोपी पकड़ा गया है जो ट्रक पर था। कब से कर रहे हैं सर ये काम इस तरह का? अब ये काम तो काफ़ी पहले से चल रहा, अब तो काफ़ी नियंत्रण में है। कई बार यहाँ पे पकड़ी गई है शराब और अभियान लगातार चल ही रहा है। हमारे SSP साहब के नेतृत्व में निर्देशन में लगातार कार्रवाई चल रही है। ग्रेटर नोएडा की दादरी पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब की 1000 पेटियों से भरे एक 10 टायरा कैंटर को पकड़ा है, जिसके साथ शराब तस्कर भी गिरफ्तार किया गया है, जो सरदार लाल है और मध्य प्रदेश का रहने वाला बताया गया है। ये शराब पंजाब से अरुणाचल प्रदेश जा रही थी, जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से पकड़ी गई है। तस्कर पंजाब से अरुणाचल प्रदेश को शराब की तस्करी करते थे। शराब पर 5-स्टार प्रीमियम विस्की लिखा हुआ था। एक 10-टायरा ट्रक पकड़ा गया है, जो दादरी पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। यह ट्रक अमृतसर से लोड होकर के आया गया और अरुणाचल प्रदेश जा रहा था। यहीं कोर्ट के पास में जो सर्विस रोड है उसके पास में इसको चेक किया गया, तो उसमें अवैध शराब लदी हुई थी। मौके पर आबकारी टीम को बुलाया और उनके पेपर्स वगैरह चेक कराए गए तो फर्जी पाए गए। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर दिया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शराब जो है उसमें 1000 पेटी हैं, जिनकी कीमत 40 से 50 लाख के करीब आके गई है। साइज में कितने आरोपी हैं अभी पकड़े हुए? मौके पे एक आरोपी पकड़ा गया है जो ट्रक पर था। कब से कर रहे हैं सर ये काम इस तरह का? अब ये काम तो काफ़ी पहले से चल रहा, अब तो काफ़ी नियंत्रण में है। कई बार यहाँ पे पकड़ी गई है शराब और अभियान लगातार चल ही रहा है। हमारे SSP साहब के नेतृत्व में निर्देशन में लगातार कार्रवाई चल रही है।